आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड बड़ा पाव की सूखी लाल वाली चटनी और उसके साथ ग्रीन वाली चटनी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। इस चटनी को हम कोई भी स्नैक के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूखी लाल वाली चटनी बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च लिया है। इसे हमें गैस के फ्लेम को लो करके फ्राई करना है। हमें इतना ही फ्राई करना है जैसे लाल मिर्च का कलर चेंज ना हो। अभी यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन के कलियाँ लिया है। मैंने लहसुन के छिलके को पूरा निकाला नहीं है, हल्का हल्का इसमें रखा है, क्योंकि मुंबई की जो मशहूर बड़ा पाव की चटनी होती है ना, उसमें लहसुन के छिलके के साथ ही ये चटनी बनाई जाती है। ये लहसुन को हमें ज़्यादा भुनना नहीं है और ये भुनने के टाइम हमें गैस की फ्लेम लो ही रखना है। बस ये हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए और इसमें जो नमी रहती है वो निकल जाना चाहिए। बस इतना ही भुनना है जिससे लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब ये लहसुन अच्छे से भुन चुका है, अब इसको निकाल के साइड में रख लेंगे और उसी पैन में गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ डेजिकेटेड कोकोनट लिया है, आप वो ड्राई कोकोनट को क्रॉस करके भी ले सकते हो। उसको फ्राई करेंगे, बस हमें इतना ही फ्राई करना है, बस इसमें जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है वो निकल जाए। अब गैस के फ्लेम को बंद करके इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम एक ब्लेंडिंग जार को लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने डालेंगे। इसको मैंने हल्का सा भून लिया था और इसका छिलका भी निकाल लिया था। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी ब्लेंडिंग जार में हमने जो मिर्ची और लहसुन को भून के रखा था उसको भी ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे मिर्ची आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसमें हम जो डेजिकेटेड कोकोनट को रखा था भून के उसको भी डाल देंगे, मूंगफली का पाउडर को भी डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो बिना इसके भी बना सकते हो, पर जो रेड वाली चटनी होती है उसमें उसका कलर रेड होता है और ये दिखता भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को बस मिक्सी में 1-2 बार चला लेना है। इसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस मिक्स होने के लिए हमें ब्लेंड करना है। ये हमारी बड़ा पाव की लाल वाली चटनी बिल्कुल तैयार है। इस चटनी को हम बड़ा पाव, इडली, आलू पराठा या फिर कोई भी स्नैक्स पकोड़े के साथ खाने से उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम ग्रीन चटनी को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो भुनी हुई चना डाला आती है उसको 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसमें 5-6 लहसुन का कलियाँ और 2 ग्रीन चिली लिया है। आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून नमक लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक डाला है। इसको पहले ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसमें हमने जो धनिया के पत्ती को काट के रखा है उसको डाल देंगे। एक नींबू का रस को भी इसमें डाल देंगे और इसको ब्लेंड करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2-3 चम्मच पानी डालकर इसका अच्छे से ब्लेंड करके अच्छे सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यह हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल तैयार है। आप ये दोनों चटनी को किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।